नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले में होलिका दहन के बाद रंग अबीर गुलाल से होली खेलने और फाग महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार किशनपुर थाना क्षेत्र सरौली और किशनपुर के सिंगरौर और सोनकर बिरादरी के लोगों में खूनी होली खेली गई। आप लोगों को बताते चले कि अभी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन लठमार होली के नतीजे जरूर आ गए हैं। जैसा कि जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले सोनकर बिरादरी के फेरी करने गए थे, तो सरौली के सिंगरौर बिरादरी के लोगों ने सोनकर बिरादरी के साथ बदसलूकी की थी और अचानक आज वही व्यक्ति किशनपुर में कुछ सामान ले रहा था कि सोनकर बिरादरी ने रंग डाल दिया था। इतनी सी बात गाली गलौज लाठी डंडों तक पहुंच गई। फिर क्या था कि कुछ इधर से बढ़े तो कुछ उधर से, और यहां तक कि घरों से निकालकर महिलाओं और बच्चों सहित सभी के ऊपर मार शुरू हुई। जबकि बताते हैं कि पुलिस प्रशासन चाहते तो इतना लंबा मामला नहीं जाता, लेकिन मामला तो पूरे फतेहपुर जिले को हिला दिया। और लोगों का यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से सोनकर बिरादरी दावेदार था और टिकट न मिलना और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बहुत कम मतों से जीतने का मामला भी आ रहा है। आप लोगों को बता दें कि जिले के एसपी और जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जिसमें उपजिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सरकारी गाड़ी पर भी पत्थरबाजी हुई। आप लोगों को जानकारी देते चले कि इस लठमार होली में लगभग एक दर्जन से लोगों की घायल होने की खबर है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दवा के लिए भेजा गया है। जिन्हें कुछ ज्यादा चोटें आई थी उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जैसा कि खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी गया दत्त मिश्र जी से बात हुई तो बताया कि यह सब नशे के कारण हुआ है। अब मामला शांत है, पुलिस प्रशासन और पीएसी तैनात कर दी गई है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। तो मार देंगे। अरे नहीं, अबे अबे आए हैं, अबे साथ में आए, अबे अबे हमरे पीछे पीछे आए हैं। अबे बताओ यहाँ पे हमारे यार, तुम्हारे नाकारी।